फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व गिवन इन द पैरामेट्रिक फॉर्म x इज इक्वल टू थीटा प्लस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो कर्व की इक्वेशन जो है वो क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म में है। तो कर्व के लिए कोई भी x कोऑर्डिनेट को अपन कैसे वेरी करवा रहे हैं, x इज इक्वल टू थीटा प्लस साइन थीटा और y कोऑर्डिनेट वेरी हो रही है अपने पास 1 प्लस cos थीटा से, ठीक है। तो लेट्स से थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, वो कोई भी पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स को अपन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पॉइंट P अगर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 के पॉइंट्स हैं तो इसके x कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसके लिए x कोऑर्डिनेट हो जाएगा थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है पाई बाई 4, तो ये वैल्यू आ जाएगा पाई बाई 4 प्लस साइन ऑफ पाई बाई 4, ठीक है। ये x कोऑर्डिनेट होगा और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ पाई बाई 4। तो ये तो पॉइंट अपने को, पॉइंट अपन ने कर्व पे फाइंड आउट कर लिया जिसके थीटा के लिए वैल्यू भी बनता पाई बाई 4, ये वैल्यू आ जाएगा पाई बाई 4 प्लस साइन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है अपने पास 1 बाय रूट 2 कॉमा यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 बाय रूट 2। तो ये पॉइंट अपने को फाइंड आउट हो गया। अब अपने को टेंजेंट की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए और उसका स्लोप चाहिए, ठीक है। अपन यहाँ पे स्लोप निकालेंगे किसी भी, अगर y इक्वल्स टू एफ एक्स के फॉर्म में अपने पास कर्व गिवन है तो इसका स्लोप अपन निकालते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है वो हो जाता है डी वाई ओवर डी एक्स। अब अपने पास यहाँ पे x एज अ फंक्शन ऑफ थीटा और y एज अ फंक्शन ऑफ थीटा गिवन है, अपने को निकालना क्या है डी वाई बाई डी एक्स। तो अपन डी वाई ओवर डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, लेट्स से डी वाई ओवर डी एक्स को लिख सकते हैं डी वाई ओवर डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स ओवर डी थीटा, ठीक है। तो डी वाई, अगर वाई एज अ फंक्शन ऑफ थीटा गिवन है, एक्स एज अ फंक्शन ऑफ थीटा गिवन है, तो अपन वाई को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें और एक्स को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंस करें और उसको डिवाइड कर दे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स आएगा, ठीक है। अब डी वाई ओवर डी थीटा अगर अपन देखें तो डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, इसके लिए अगर अपन थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वन का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा जीरो और कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा। तो डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ साइन थीटा, तो ये वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या है एक्स, क्या है एक्स है थीटा प्लस साइन थीटा, तो इसको डी एक्स ओवर डी थीटा अगर अपन लिखेंगे तो थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा वन और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस थीटा, तो ये अपने पास क्या आएगा डी वाई ओवर डी एक्स। अब ये वैल्यू अपने को कहाँ पर निकालना, पॉइंट पी पे, पॉइंट पी जो है उस पर अपने को टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो डी वाई ओवर डी एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर अपन बोले एट पॉइंट पी वेयर थीटा पैरामेट्रिक वैल्यू थीटा की वैल्यू गिवन है पाई बाय 4, तो इसकी वैल्यू क्या होगी ये हो जाएगा अपने पास डी वाई ओवर डी एक्स एट पॉइंट पी थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ साइन पाई बाय 4 अपॉन 1 प्लस कॉस पाई बाय 4, ये वैल्यू आ जाएगा साइन पाई बाय 4 की वैल्यू 1 बाय रूट 2, वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ 1 बाय रूट 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाय रूट 2, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगा अपने पास माइनस 1 बाय रूट 2 डिवाइडेड बाय, अगर एलसीएम ले लिया डिनोमिनेटर में, जा जाएगा रूट 2 प्लस 1 ओवर रूट 2, तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल होगा और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगा पॉइंट पी पे माइनस 1 ओवर रूट 2 प्लस 1। अब अपने को पॉइंट पता है और स्लोप पता है तो अपन लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं जो कि यहाँ पे टेंजेंट के लिए इक्वेशन होगी। तो यह आ जाएगा वाई माइनस वाई कोऑर्डिनेट इसका क्या था, वाई कोऑर्डिनेट इसका था 1 प्लस 1 अपॉन रूट 2, वाई माइनस 1 प्लस 1 अपॉन रूट 2 इजिकल्स टू, स्लोप क्या है यहाँ पे माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स 1 और एक्स कोऑर्डिनेट क्या था पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 प्लस 1 बाय रूट 2, पाई बाय 4 प्लस 1 बाय रूट 2, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसके लिए वैल्यू था, ठीक है। अब अपन इसको क्या करें सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा वाई माइनस ऑफ रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 और यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगा इजिकल्स टू 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 और माइनस को अगर अपन ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स प्लस ये वैल्यू आ जाएगा पाई बाय 4 प्लस 1 अपॉन रूट 2। तो ये यहाँ पे टेंजेंट के लिए इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये स्लोप है ये अपने पॉइंट से, तो ये यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा एट थीटा इजिकल्स टू पाई बाय 4।